अस्सलाम वालेकुम, मैं शुभ मेहरजादा आपको अपने चैनल पर खुश आमदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे, और अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो शुरू करते हैं आज का व्लॉग। ये हमारे वाली नहर है जो आ रही है, और यहाँ पे ये बंट रही है दो हिस्सों में। एक हिस्सा हेड सदनई की तरफ जा रहा है और दूसरा सीधा जा रहा है, और सामने जो है वो ग्रिड स्टेशन है जहाँ से बिजली वगैरह बनाई जाती है। ये मशीनें वगैरह लगाई हुई हैं इन्होंने बंद करने के लिए और चलाने के लिए। ये मेरे ख्याल में इस तरह से इसको घुमाते हैं जिससे ये खुल जाता है, दर्रे टाइप का जो बना हुआ है। यहाँ पे खजूरें वगैरह है, बिल्कुल जो है ना दुबई में आ गए हैं हम। जाती कहाँ तक है वहाँ तक हमने जाना है, और हम फिलहाल वहाँ पे आ गए हैं जहाँ पर ये नहर दो हिस्सों में बंट रही है। और एक्चुअली मेरे दोस्त जो हैं वो इस नहर पर इंजीनियर हैं एक, तो उनके साथ मैं आया हूँ। उन्होंने कहा कि शुएब चलें आपको थोड़ा सा घुमा फिरा के लेके आऊँ, तो नहर पर थोड़ा सा काम हो रहा है, उस काम का विज़िट के लिए हम यहाँ पर आए हैं, तो मैं भी उनके साथ आया हूँ। यहाँ भी नहर के किनारे पर एक गाँव आबाद है, जिस तरह से हमारा गाँव नहर के किनारे पर है, ये भी नहर के किनारे पर है, जो कि माशाल्लाह काफ़ी सुकून वाली जगह है। नहर के किनारे पर रहना बहुत सुकून। मैंने अपना बैग साथ ले लिया क्योंकि दोस्त ने कहा था कि आज का दिन जो है वो मेरे नाम करें, मेरे साथ चलें। मैंने कहा था यार मुझे काम करना है, तो उन्होंने कहा कि आप अपना काम वगैरह साथ उठाएं और मेरे ही ऑफिस बैठ के आप काम कर लेना। तो फिलहाल हम फील्ड में आए हुए हैं जहाँ पर नहर पर वर्क हो रहा है, वो वर्क देखने के लिए, तो चलते हैं और वर्क देखते हैं। आजकल नहर में पानी नहीं है, ये तकरीबन एक महीने के लिए इन्होंने पानी बंद किया होता है, इसे हम बंदी कहते हैं, और बंदी के दौरान ही इसकी जो दिन बारिशें और मौसम ठंडा रहा है ना, उतने तड़के वाली धूप निकली हुई है। और अभी जो है हम यहाँ पे, मेरे दोस्त ने कहा था कि हमने ना सिर्फ विज़िट करना है एक दो घंटे के लिए, उसके बाद ऑफिस चले जाएंगे, लेकिन यहाँ पे तकरीबन मुझे 4 घंटे हो गए हम यहीं पे जलील हो रहे हैं, और अभी तक ऑफिस जाने का कोई टाइम नहीं हुआ। उन्होंने कहा जब तक ये काम मुकम्मल नहीं हो जाता हम यहीं पर रहेंगे। तो मैं आस पास की जो चीज़ें हैं जो मुझे अट्रैक्ट कर रही हैं आपको दिखाने के लिए मैं साइडों पे निकल आया हूँ, और दोस्त जाने और उनका काम जाने, तो हम जो है वो यहाँ पर घूमते फिरते हैं, इसलिए मैं फसलों में आया हुआ हूँ जो कि बिल्कुल दो नहरों के दरमियान में हैं ये फसलें। और अभी मैं जा रहा हूँ वापस, और जो यहाँ पे काफ़ी मुश्किल मुश्किल रास्ते हैं ये हम आ गए। हम यहाँ पर रेलवे पुल पे आ चुके हैं जहाँ से ट्रेन गुजरती है, और यहाँ पर मकामी लोगों की तरफ से हमें